हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मैंगो केक। पता है ये रेसिपी डालने के लिए मुझे बहुत लेट हो चुका है, बट कोई नहीं, ये रेसिपी डालना मैं भूल गई थी। सीज़न जाते जाते मैंगो का ये वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा था, बट अपलोड आज हो रहा है, तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं मैंगो से बना केक जो कि काफ़ी हेल्दी और डिलीशियस है एकदम। तो यहाँ पर मैंने एक केसर आम ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी आम ले लीजिए। सिर्फ हमें ध्यान रखना है आम पका हुआ और मीठा चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक आम मैंने अच्छे से चॉप करके कर लिया है। तकरीबन हमारा एक कप जितना मैंगो के पीसेस रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से एक कप में आधा कप सूजी और आधा कप मैदा ऐसे लिया है। अगर आप चाहे तो पूरा सूजी या फिर मैदा या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें जाएगा हाफ कप शुगर। शुगर हमें कम ही चाहिए क्योंकि हमारा आम मीठा है इसलिए। अब इसमें मैं कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी, जैसे कि एसेंस वगैरह या फिर कलर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं सैफ्रन डाल दूँगी, 7 से 8 उसके धागे। इसमें जाएंगे 2 इलायची जो तोड़ के इसमें से हम डाल देंगे। इसे हम एक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। ये देखिए पाउडर एकदम महीन हमें इसका पीसना है। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें चाहिए। अब दूसरे मिक्सर जार में हम मैंगो के टुकड़े डालेंगे। इसमें जाएगा 1/4 कप जितना मिल्क। इसे भी हमें इसका प्यूरी बना लेना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हमें प्यूरी निकाल लेनी है। अब इसमें जाएगा मलाई 1/4 कप जितना। आप चाहे तो इसमें बटर, घी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं मोस्ट ऑफ जितने भी केक बनाती हूँ मेरा उसमें फ्रेश मलाई ही जाता है, जिससे केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी होता है। इसे अच्छे से हमें बीट करना है, फेंट लेना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। इस स्टेज पे आप दही भी डाल सकते हैं, हंकर भी डाल सकते हैं केक को और ज़्यादा फ्लफ़ी बनाने के लिए। अब इसमें एक छलनी रख देंगे, इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें डाल देने हैं और इसे छान लेना है ताकि कोई लम्स नहीं रहे। आपको मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुनाई देगी, आज पता नहीं एरोप्लेन बहुत सुबह से इरिटेट करके रखा है मैं जिस एरिया में रहती हूँ, तो कोई नहीं, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करेंगे। ये केक ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा यम्मी बन के रेडी हुआ था। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए ढक के रेस्ट करने देंगे ताकि हमारी सूजी ना वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बैटर में और कितना दूध लगने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे 1 घंटे के रेस्ट के लिए रख दे, अगर नहीं तो 1/2 घंटा ज़रूर रखे। ये देखिए अब 1 घंटे के बाद बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं और 1/4 कप जितना दूध ऐड कर दूँगी। मैंने आम के पीसेस जानबूझ के ही ऐसे रखे क्योंकि जब वो केक के पीस में दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम चॉप कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट ले लिए हैं। नट्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप इसमें टूटी फूटी भी डाल सकते हैं या फिर चेरी भी डाल सकते हैं, बट मुझे केसर इलायची फ्लेवर वाला मैंगो केक चाहिए था तो मैंने सिंपल वही यूज़ किया है। सारे हमारे नट्स चॉप करके रेडी है। अब हम केक के बैटर में डालेंगे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और इसमें 1/4 कप और हम दूध ऐड कर देंगे। तो टोटली हमें एक कप के लगभग दूध का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप केक की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, बस बिल्कुल इस तरीके से चाहिए। ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंगो का प्यूरे है ना, तो पतला करेंगे तो वो अंदर से ऐसे गीले टाइप में हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ऐसे ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम अभी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़े, फिर बाकी के हम ऊपर से ही डाल देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तब तक मैं केक टिन रेडी कर लेती हूँ, यहाँ पे रेडी कर लिया। अगर केक टिन अगर आपको जो भी शेप में चाहिए है मनपसंद शेप में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगोने में ही घी और आटे का डस्टिंग कर लिया है, उसमें मैं सारा बैटर डाल दूँगी। ऊपर से हमारे जाएंगे ड्राई फ्रूट्स भर भर के। इसे हमें टैप कर लेना है ताकि इसमें जो भी जितने भी एयर बबल्स है सब निकल जाए और इसे हम बेक करेंगे ओवन में 45 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो आप डालिए, मैंने तो यहाँ पे इडली पॉट में ही बेक किया था। तो ये देख सकते हैं हमारा केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट, जालीदार और स्पंजी बन के रेडी हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था, माइंड ब्लोइंग। इसका बैटर आप ऐसे भी खा के देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पे केक बेक करके रेडी हो चुका है। थोड़ा सा नीचे से जल गया था पर कोई नहीं, टेस्टी तो बहुत ही था। ये देखिए आप साइड से इसकी जाली, इसका सॉफ्टनेस एकदम सही है। आपको कट करके दिखाती हूँ, एकदम ही स्पॉन्जी बना है, डिलीशियस है। तो आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।